शिवम शिवम। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पर स्वागत है। इस वीडियो में आचार्य राम शास्त्री जी, जो ज्योतिष विशेषज्ञ हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, वास्तुशास्त्र के बहुत अच्छे जानकार और ज्ञाता हैं, हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और वो प्रश्न जो आप सबने पूछे हैं हमारे कमेंट बॉक्स में या पर्सनली फोन करके, तो उन प्रश्नों को मैं इनसे पूछने जा रहा हूं और ये उसका जवाब देंगे। तो दर्शक से आप मुखातिब हैं जी। जय माता दी, सभी दर्शकों को नमस्कार। ये प्रश्न जो है जी, पिछले 6-7 सालों से लोग मुझे करते रहते हैं, जिस पे मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाए हैं जी। चूंकि आप अच्छे ज्ञाता हैं, वास्तु विशेषज्ञ हैं, हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं जी, तो आप अपनी तरफ से 2-4-5 टोटके उपाय बताइए हमारे दर्शकों को। प्रश्न है, धन प्राप्ति के 4 आसान उपाय बताइए जी। बिल्कुल 4 आसान उपाय। जो बहुत सुंदर आपका प्रश्न है और सुंदर टोटके बता देता हूं मैं इसके बारे में। पहला है कि धन आपके घर में स्थिर रहे, रुके और धन आए, शीघ्र आपके घर में सुख शांति आए। धन आने के टोटके हैं कि सोमवार को गोबर ले लें, गौ माँ का गोबर लेकर के अपने डेहरी दरवाजे को लेप करके दीपक जलाएं। ऐसे करना आपको 40 दिन तक करना है। दीपक दोनों तरफ जलाना है, एक तरफ? दोनों तरफ घी का दीपक जलाना है, मिट्टी का दीपक लेकर के और दोनों साइड रख करके घी का दीपक जलाइए। सोमवार शुरू करना है, सुबह सुबह करना है। लक्ष्मी देवी जी प्रसन्न होकर के आपके घर विराजमान हो जाएंगी और सदैव के लिए लक्ष्मी स्थिर रहेंगी आपके पास। ये पहला टोटका। दूसरा है, आपके घर में जब पोछा मरवाते हैं आप, गोमूत्र और गंगा जल, अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है, समुद्र का पानी उपलब्ध नहीं है, तो नमक डाल करके दोनों को मिक्स करके घर में पोछा मरवाइए। लक्ष्मी देवी प्रसन्न होती हैं, लक्ष्मी आपके घर में आके स्थिर हो जाती है, सुख शांति रहेगी। तीसरा टोटका है, पीपल के पत्ते में लक्ष्मी जी का नाम लिख करके अपने गले में रखें आप शुक्रवार के दिन, लक्ष्मी उससे बहुत प्रसन्न होती है। पीपल भगवान वासुदेव हैं, उसमें लक्ष्मी जी का मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। पुनः ये मंत्र को सुन लें आप लोग, पीपल के पत्ते में शुक्रवार के दिन सुबह सुबह इस मंत्र को अष्टगंध चंदन से लिखना है या लाल चंदन से, ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीदप प्रसीदप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को आप एक बार लिखें, लिख करके अपने गले में रख दें, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी और आपके घर में आके सुख शांति देने लगेगी, आपको बरकत होने लगेगा। और वो पीपल का पत्ता कब तक रखना है? 1 हफ्ते तक। फिर उसके बाद? इसके बाद पानी विसर्जन कर देना है। फिर दूसरा फिर रखना है या? दूसरा फिर पुनः करना है, ऐसे करते कंटिन्यू करते रहना है। किस दिन? शनिवार को? नहीं, शुक्रवार को। शुक्रवार को जी। वो पीपल का पत्ता तोड़ना है या गिरा हुए में से उठाना? नहीं, तोड़ना है। तोड़ना है जी। चौथा है, चौथा नुस्खा है आपके लिए, घी और गुड़, घी गुड़ का हवन करिए घर पे आप। घी गुड़ और खोपड़ा नारियल का टुकड़ा बना करके आप प्रत्येक दिन आहुति करिए शाम का समय, गायत्री मंत्र के माध्यम से आपके घर में बड़ी सुख शांति रहेगी, लक्ष्मी प्रसन्न हो जाएंगी, आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, आपके व्यापार में बरकत होने लगेगी, आपके घर में जो विवाद है सब शांत होने लगेगा, सभी काम बनने लगेंगे धीरे धीरे। ये 4 नुस्खे हैं लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए। तो माय डियर सब्सक्राइबर्स, ये टोटके आचार्य राम शास्त्री जी ने आपको बताए हैं और बिल्कुल आप कीजिए, निश्चित तौर पे बेनिफिट होगा ही होगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।